गाइस साउंड चेक करो इसका, अभी मैंने इसकी साउंड बिल्कुल कम कर रखी है। देखो देखो अभी आप चेक करो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग, होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी ब्लैक ब्यूटी के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करवाने के लिए। तो गाइस पहले ब्लैक ब्यूटी के अंदर 2D म्यूजिक सिस्टम था जो काफी बोर हो चुके थे उससे चला चला के, और ना ही उसके अंदर कोई GPS सिस्टम था, बिल्कुल 2D था, CD वाला जो आता है। फाइनली मैंने फ्लिपकार्ट से साउंड बोस कंपनी का जो एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम है वो ऑर्डर किया था। ये मेरे को 11,000 के आसपास पड़ा, अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। एंड गाइस अभी आप चेक करो, पहले मेरा जो 2D म्यूजिक सिस्टम आ रहा था मैं आपको वो चेक करवाता हूँ अभी। जब भी आप चेक करो, ये 2D म्यूजिक सिस्टम है, इसके अंदर ओनली ऑडियो है, FM है और CD प्लेयर है। तो ऐसे में ये गाड़ी के साथ फ्री आया था, और कहीं ना कहीं अब जाके इसको चेंज करने का मन कर रहा है क्योंकि काफी बोर हो गया था, और कहीं ना कहीं इसके अंदर ना ही तो कोई GPS सिस्टम मिलता है। और आपको अगर आफ्टर मार्केट कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो ऐसे में आप इजीली करवा सकते हो। तो गाइस ये मेरे को पूरा फ्रेम के साथ आया है, मतलब कुछ भी आपको कोई वायर कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल कपलर टू कपलर इसके साथ कंपनी ने ऑफर किए हैं। तो गाइस अभी आप चेक करो, ये पूरे सारे कपलर हैं, और ये सारा माइक सिस्टम है, और GPS है, और एंटीना FM का इसके अंदर। एंड गाइस मैं आपको चेक कराता हूँ जो म्यूजिक सिस्टम है साउंड बोस का। तो गाइस अभी आप चेक करो। तो गाइस आपको अपनी कार के अकॉर्डिंग जो साउंड बोस कंपनी के पास है सारे म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल है। तो गाइस ये मेरी हुंडई की एक्सेंट है, तो इसके अंदर बिल्कुल फ्रेम के साथ ये मेरे को मिला है, मतलब ये वाला फ्रेम हट जाएगा और जो यहाँ पे भी बटन है वो सारे इसके अंदर फिट हो जाएंगे और बिल्कुल ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस अभी आप चेक करो, ये अप्रोक्स 10 इंच के अप्रोक्स है ये, और इसकी जो रैम है वो 2GB रैम है एंड 16GB इंटरनल मेमोरी है। तो गाइस अभी चलते हैं आफ्टर मार्केट कोई मैकेनिक के पास, क्योंकि गाइस अगर मैं खुद से इंस्टॉल करूंगा तो इसके अंदर जो हुंडई की एक्सेंट आती है एंड ग्रैंड आई 10 आती है, जो ये फ्रेम खोलोगे तो यहाँ पे काफी बार पेचकस लगने का डर रहता है, यहाँ पे स्क्रैच होने का डर रहता है। इसलिए गाइस मैं मैकेनिक से खुलवाऊंगा और मैकेनिक से इंस्टॉल करवाने जा रहा हूँ, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि गाइस खामखा अगर इसके अंदर कोई भी स्क्रैच लग गया तो ये वापस से रिटर्न भी नहीं होगा। तो गाइस इसलिए जा रहा हूँ मैं अभी मैकेनिक के पास। तो गाइस फटाफट से चलते हैं। See if you can follow, got me feeling alive. Watch me go, lose control, is this real? All I feel, freak by signs, every time it's been real, real. Business room में लगाया था, कंपनी ने बहुत कटिंग कर रखी है इसमें। वायरिंग वायरिंग जो हुंडई की एक्सेंट है और ग्रैंड आई 10 उनके साथ काफ़ी दिक्कत है, मतलब कभी भी म्यूजिक सिस्टम खोलना पड़ता है किसी प्रॉब्लम के कारण तो यहाँ पे जरूर से निशान होंगे आपके, यहाँ पे चाहे कितना ही सेफली कर लो कहीं ना कहीं इधर स्क्रैच लग ही जाएंगे। यहाँ पे देखो कितने सारे स्क्रैच लगे हुए मेरे, पूरे 3-4 बार खुल चुका है स्टीरियो। गाइस फाइनली जो साउंड बॉस कंपनी का जो एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम है हमने अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवा लिया है। एंड गाइस मैं पूरा सूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो मेरा वूफर मैंने इंस्टॉल करवा रखा है, बेस ट्यूब इंस्टॉल करवा रखी है, वो इससे म्यूजिक सिस्टम से चल नहीं रहा था, क्योंकि गाइस जो एम्पलीफायर था उसका फ्यूज उड़ा पड़ा था और मेरे को पता नहीं था, और इस वजह से वो मिस्टेक पकड़ में नहीं आई, तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया, इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। लास्ट एंड में जाके जो एम्पलीफायर था उसका जैसे ही फ्यूज बदला तो वो बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करने लग गया। तो गाइस अभी आप चेक करो कितनी प्रॉपर फिटिंग आई है, बिल्कुल मतलब आप कह नहीं सकते कि आफ्टर मार्केट लगाया आपने, क्योंकि गाइस जो ये एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम है, जो ये पैनल आता है, ये वाला ये बीच वाला पैनल आता है ग्रैंड आई 10 का या हुंडई एक्सेंट का, उसी के अंदर इनबिल्ट आता है, ये भी आप चेक करो, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है। एंड गाइस जो ये हुंडई की जो ग्रैंड आई 10 है एंड हुंडई की एक्सेंट है, इनके अंदर काफ़ी
प्रॉब्लम आती है जब भी ये पैनल खुलता है तो कोई ना कोई स्क्रैच होता है। तो गाइस अभी ये चेक करो, मतलब काफी टाइम पहले भी मेरे कार के अंदर स्क्रैच हो रही थी क्योंकि काफी बार ये जो वाला पैनल है ये खुल चुका है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई जगह ही नहीं है पेचकस डालने की, तो इसलिए कहीं ना कहीं हर जगह से स्क्रैच होते ही है। ये स्क्रैच नोटिस ना हो किसी को तो इसी वजह से मैंने जो एक क्रोम की आप देख रहे हो बिडिंग देख रहे हो ये मैंने इंस्टॉल कर रखी थी खुद से। गाइस यहाँ पे आप चेक करो, बिल्कुल फिटिंग, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है। अगर मैं यहाँ पे भी ये क्रोम वाली लाइन यहाँ पे भी इंस्टॉल कर दूंगा, ये जो ये बीच में जगह है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल स्क्रैच दिखाई नहीं देंगे बिल्कुल भी। बाकी गाइस जो साउंड रेस्पॉन्स है वो काफी डबल हो चुका है, मतलब जो मेरा पहले 2D का इंस्टॉल था ये वाला सोनी का, उससे काफी एक तरीके से कह सकते हो इसके अंदर डबल साउंड हो गया है, मतलब और इसके अंदर साउंड की भी कई सारी सेटिंग्स हैं। एंड गाइस ये प्रॉपरली वर्क करता है, बस इसके अंदर एक ही इशू है, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जब आप इसके अंदर गूगल अकाउंट बनाओगे तो कहीं ना कहीं काफी टाइम लेने वाला है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। बाकी टच रेस्पॉन्स सब कुछ A1 रहने वाला है। एंड गाइज ये जो साउंड बॉक्स कंपनी के जो ये एंड्रॉइड म्यूजिक सिस्टम आते हैं ये हर कार के लिए आपको अवेलेबल है, आप जाके फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाके चेक कर सकते हैं। गाइज अभी मैं आपको इसका साउंड चेक करके दिखाता हूँ। एंड गाइज जो मेरा एम्पलीफायर है जो बेस ट्यूब है अप्रोक्स 4 से 5 ईयर ओल्ड है, लेकिन फिर भी गाइज इतनी अच्छी साउंड निकाल के दे रहा है ये साउंड बॉक्स कंपनी का म्यूजिक सिस्टम। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ। गाइस साउंड चेक करो इसका, अभी मैंने इसकी साउंड बिल्कुल कम कर रखी है, देखो देखो अभी आप चेक करो। तो गाइस एक बार मैं इसकी वीडियो क्वालिटी और चेक करा तो, एंड गाइस की खास बात यह है कि आप कोई से भी एंगल से देखोगे तो आपको सेम वैसा ही दिखने वाला है जैसे फ्रंट से देखोगे। अभी आप इसकी क्वालिटी चेक करो, अभी मैं इसकी सेटिंग हाई क्वालिटी पे कर देता हूँ, आप चेक करना है इसकी क्वालिटी। अभी मैं आपको इसकी फुल स्क्रीन करके चेक कराता हूँ। सेम आपको जैसे फ्रंट से दिख रहे हो वैसे दिखेगा। एंड गाइस साउंड क्वालिटी लिटरली इतनी इनहेंस हो गई है, पहले से डबल हो गई एक तरीके से, डबल जो पहले 2D का लग रहा था उससे डबल हो गई है। एंड गाइस इसके साथ मेरे को 2 ईयर की वारंटी मिली है, पे 2 USB पोर्ट आपको साथ फ्री मिल जाते हैं इसके साथ, तो मैकेनिक ने इनको यहाँ पे इंस्टॉल दिया, मतलब कोई भी USB आपको यहाँ इंस्टॉल करनी हो तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स के अंदर आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आपको एक माइक मिल जाता है जिससे आप कोई भी फोन कॉल रिसीव कर सकते हैं और यहाँ से इजीली आपकी जो वॉइस है वो सामने वाले को ही जाएगी। बाकी गाइस इसका माइक देखो, इसकी भी क्वालिटी A1 है और यहाँ पे प्रॉपर फिटिंग के साथ यहाँ पे लग चुका है। तो गाइस टोटली ये वर्थ इट रहने वाला है इस प्राइस रेंज के अंदर। व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड छोटी सी ये मॉडिफिकेशन पसंद आएगी। तो गाइस व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। लोग देखने के लिए थैंक यू सो मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।